बेटा मैं तो लंबी लंबी नहीं छोड़ती, लेकिन सच बताती हूँ किस्से हमारे गांव के बहुत बहुत बड़े किस्से हैं। क्या है कि जब मैं छोटी सी थी हम अपने गांव में रहते थे, बहुत दूर था हमारा गांव, वहाँ उस गांव का नाम था धूनापुर। धूनापुर गांव था हमारा। धूनापुर गांव में क्या था, वहाँ पे बिल्कुल सूखा था, कई कई सालों तक वहाँ पे बिल्कुल सूखा था। फिर क्या हुआ, वहाँ पे सूखे के कारण ना हम खाना खा पाते ना हम पानी पी पाते, बिल्कुल हमारा जीना दुश्वार हो गया था। तो मेरे जो बाबूजी थे, मेरे बाबूजी, उनके पास इतना लंबा एक डंडा था, मतलब वो बैम्बू का डंडा होता है ना, वही वाला डंडा था। उन्होंने क्या कहा, वो उतने लंबे बैम्बू का वाला डंडे से उन्होंने क्या कहा, बादल में थोड़ा सा हरकत कर दिया, बादल में थोड़ा सा पुशिंग पुशिंग कर दिया, तो उस पुशिंग के कारण ऐसी बारिश हुई, इतनी बिजली कड़की, ऐसी बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश, सारा सूखा एकदम गीला हो गया, पानी मिला, हमें खाना मिला, ए भगवान, सालों तक बारिश चली, सालों तक बारिश चली, बारिशों में हम नहाए धोए खाए सोए, सब हम लोगों ने बारिशों में ही करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, ऐसी बारिश हुई, सालों तक बारिश चलती रही, मतलब बारिशों में सोते, बारिशों में खाते, पानी में ही नहाते, सॉरी पानी में तो नहाना ही पड़ता है, मतलब पानी पी पी के पेट भरते, ऐसी बारिश हुई। बारिशों से पूरा घर हमारा जो वो ऐसे ही जा रहा था, तैर रहा था, घर तैर रहा था, हम तैर रहे थे, सब तैर रहे थे, मतलब डूबने जैसी हालत हो गई थी हमारी। हम ऐसे ही डांस करते थे बारिश में। तो मेरे बाबूजी ने क्या किया, फिर से एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा जो उनका जो इतना बड़ा बैम्बू है उनसे थोड़ा और काम किया जाए। उन्होंने क्या किया, वो जो बहुत बड़ा बैम्बू है उस बैम्बू को काटा, ऐसे ऐसे काट के उसका एक बहुत बड़ा नाव बनाया। उसी नाव पे हम बैठे बैठे हम लोग सीमा पार हो गए, हम गांव से बाहर चले गए। इसी तरह हम लोगों ने अपनी जान बचाई। तो ये थी मेरे गांव की छोटे मोटे किस्से। वैसे मैं बड़ी बड़ी ज्यादा फेंकू फेंकू बातें तो करती नहीं हूँ, मैं ऐसे थोड़े बहुत ऐसे जितने बातें हैं वही करती रहती हूँ। मैं सच्ची बातें ही बोलती हूँ, जो मेरे बचपन में घटा है वही बातें बोलती रहती हूँ मैं। वैसे झूठ तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं और भी मेरे बहुत बड़े बड़े किस्से हैं मेरे गांव के, अगर तुम चाहो, अगर तुम यकीन करो तो ही मैं सुनाऊं। सुनाओ ना आंटी, सुनाओ ना, हमें सुनना है। ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ। मैं जब गांव में थी तो हमारा इतना बड़ा खेत था, मेरे बाबूजी का इतना बड़ा खेत था। खेत इतना बड़ा था, मतलब मैं जितना भी देखूं, मेरा आंख जितना भी पहुंचे वहां पर ही मेरा बाबूजी का खेत था। तो मेरे बाबूजी वहां पे अपने हाथों से सब्जियां उगाया करते थे, मतलब यहाँ के जो आप बोलो, वहां के जो टमाटर थे वो इतने बड़े बड़े टमाटर थे, मतलब एक टमाटर से आप पूरा गांव खिला सकते हो, ऐसे बड़े बड़े टमाटर थे। वहां के जो आलू थे वो इतने बड़े बड़े थे, लेकिन एक आलू की सब्जी से मैं पूरा गांव खिला सकती हूँ। भिंडी इतनी बड़ी, बैंगन इतना बड़ा, आलू इतने बड़े, मतलब सब। अगर आप लोग अपने आंखों से ना देखो बच्चे, तो आप लोग विश्वास ना करोगे कि मेरे गांव के ऐसे ऐसे मेरे बाबूजी के इतने इतने गुण थे। झूठ तो मैं बोलती नहीं और बिल्कुल भी फेंकू बातें तो मैं करती नहीं, जो भी देखा है अपने सच देखा है, और सच बातें ही आप लोगों से मैं कर रही हूँ अभी। लुक, शो ऑफ तो मैं बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज आई डोंट लाइक शो ऑफ, मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग जब लंदन गए थे, वहां से मैं ये पेंडेंट लिया था, वो ज्यादा नहीं 50 लाख के थे ये पेंडेंट, 50 लाख में मैंने ये पेंडेंट लिया था। और उसके बाद मैं गई थी अमेरिका, उसके बाद के कुछ दिन बाद ही हम लोग अमेरिका गए थे, वहां से मैंने ये नेकलेस लिया था, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया था। उस टाइम हमारा 3rd वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया था, तो उसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 70 लाख ऐसा कुछ था, बनता है एनिवर्सरी है, तो मैंने जिद किया कि मुझे वही चाहिए, तो उन्होंने वही दिया। शो ऑफ आई डोंट लाइक शो ऑफ, लेकिन जो सही है मैं वही बोलती हूँ। और जो ये इयर रिंग्स है ये मेरे मम्मी ने मुझे दिया था जब वो लोग कनाडा गए थे, लास्ट ईयर कनाडा गए थे, वहाँ से मेरे लिए लेके आए थे। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ
ज्यादा नहीं 40 लाख समथिंग के थे, 40 लाख समथिंग के थे, और मैं सब कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करती हूँ, इम्पोर्टेड चीज़ें, आई डोंट लाइक चॉक, लेकिन मेरे जो ये चीज़ें हैं सब कुछ इम्पोर्टेड है, और 50 लाख 60 लाख 70 लाख इज दैट नॉट मैटर फॉर मी, दैट्स नॉट मैटर फॉर मी, ये सब मेरे लिए आम बात है, पैसे क्या है मेरे लिए, हाथ की सफाई है, वो तो हाथ के धूल है, बस झड़ दो और कुछ नहीं, आई डोंट लाइक शो ऑफ एट ऑल। लुक, ये जो लिपस्टिक है मेरे, ये जो लिपस्टिक है ये मैंने 5 लाख से, मैंने 5 लाख से लिया था, वो कहाँ गई थी मैं, समथिंग, हाँ सिंगापुर गई थी मैं, वहाँ से मैंने लिया था लिपस्टिक, और सब कुछ मैंने ब्रांडेड यूज़ करती हूँ, मेरा जो मेकअप है वो ब्रांडेड, और कितने का क्या प्राइस है मुझे पता नहीं है, लेकिन सब कुछ ब्रांडेड है और सब कुछ मैं ब्रांडेड ही लेती हूँ। पर मिसेस शर्मा, ये सब तो हमारे नुक्कड़ में 500-600 में मिल जाते हैं। नुक्कड़? How did you say नुक्कड़? नुक्कड़ की चीजों के साथ तुम ये चीजें मैच कैसे कर सकते हो? You down market? ये मेरे ब्रांडेड चीजें, लाखों का चीज है, don't match with नुक्कड़ की चीजें। आप लोग लेते होंगे नुक्कड़ के, oh my god, मैं नहीं लेती नुक्कड़ के, ये सब चीजें ब्रांडेड होती है। मेरा एक बेटे का खिलौना शो सी, ये जो मेरे बेटे का खिलौना है ये भी 10 लैक्स के आते हैं, 10 लैक्स के। सो डोंट मैच मी विथ यू, ओके सॉरी, डोंट मैच मी विथ यू। मेरे तो मतलब आपकी बातें सुन के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, आई डोंट स्टे हियर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे विचार कर पाए। अच्छा, तो आजकल कॉलोनी में ये सब हो रहा है, सब लिख के रखती हूँ, फिर लेती हूँ इन सब की खबर। अच्छा, तो इसके साथ ये और उसके साथ ये सब बाइक में घूमी, अच्छा, मज़े लिए जा रहे, ज़रा और ठीक से देखो, अरे गिर गई, अच्छा तरा और ठीक से देख लेती हूँ, अच्छा, ठीक है। और यहाँ का नज़ारा तो देखो, कुछ ज़्यादा ही रंगीन है, अच्छा यहाँ से नज़ारा और भी अच्छा दिख रहा है, चलो फोटो खींच के रखते, हाँ तभी अच्छा रहेगा सबूत, एक तो रंगे हाथों पकड़ूंगी सबको, तब जाके पता चलेगा। हाँ, हेलो, अरे सरस्वती बहन, अरे आपको कब से फोन ट्राई कर रही हूँ मैं, अरे बहुत ही गर्मा गर्म खबर है, आपको ना बताऊं तो पेट में दर्द हो रहा था सुबह से मेरे को, अरे वो जो हमारी पड़ोस में है ना, हमारे सरस्वती, अरे कौन सा नाम है उनका, अरे लीला बहन की बेटी, अरे वो लिप्सा, वो सुबह को गई, और छचुंदर जी है ना, छचुंदर जी उसकी बेटे के साथ बाइक में फूड होके घूमने गई, हाँ माता जी की सौगन, हाँ, अरे सब मैंने सारे डायरी पे सारे डिटेल लिख के रख दिया था, सुबह के बजे थे तभी 10, और मैंने तभी कुकर पे पड़ा था सीटी, और मैंने रोटी आधी मैंने बना के रखी थी, और मैंने बनाई थी तब टिंडे की सब्जी, तो सारे डिटेल्स जो है मैंने लिख के रख दी है ताकि आपको देखा आप लोगों को यकीन हो जाए बस, हाँ, अरे आप क्या बोले, आज के नए ज़माने हैं, हाँ, मेरा बच्चा तो इस पापी दुनिया में एकदम गुजार ही ना कर पाया, हाँ मेरा बच्चा एकदम साधु, कुछ नहीं जानता, ये सब के साथ तो मैं मिलने ही ना दूँ, उनके संगत में मैं जाने ही ना दूँ, हाँ, चले जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे आपको बहन जी, वो दोपहर के टाइम को मैं बाहर बरामदे में गई थी, तब जाके देखी वो जो अंजलि है ना, अंजलि, अरे मिसेस शुक्ला की बेटी अंजलि, वो हमारे वो पड़ोस वाले गुप्ता जी के बेटे के साथ ही हा कर रही थी, क्या हंसी थे भाई, क्या हंसी थे, हाँ, मेरे चार आंखें इनको नहीं धोखा दे सकता, अरे 100% वही, 100% वही थी, पिक्चर भी निकाल के रख दी मैंने, ये देखिए, देखा यकीन आ गया आपको, अरे हाँ ताक झाक तो मैं करती नहीं ना, मेरा ये कोई शौक है, पर ये बच्चे जो है ये कुछ ज्यादा ही नहीं एडवांस है, आप ही बोलिए, नहीं भाई ताक झाक करने का मेरा शौक नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, हाँ, आप ही बोलिए, एक्चुअली रुके गॉसिपिंग तो मुझे आदत नहीं, पर ये सब चीजें तो आजकल के बच्चे तो बस